गर्मी का मौसम आ चुका है और तापमान 40 से 45 डिग्री पे जा चुका है। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, पर हम लेके आ गए तुम्हारे लिए कुछ 5 ऐसे गैजेट्स जो गर्मी की छुट्टियों को ठंडी भरी कर देंगे। तो ये वीडियो सीरीज एक मैं नई चालू करने जा रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लग रही है ये सीरीज। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रॉपिकूल के स्मार्ट कार गैजेट्स में आता है रेफ्रिजरेटर है। देखते हैं हमको यहाँ पे मिला है ब्लैक कलर में, यहाँ पे टिक कर रखा है, देख लो। और कुछ इस तरीके की पैकेजिंग मिल जाती है, फ्रंट पे ये लिखा हुआ है। खोलते अनबॉक्स करते हैं कैसा प्रोडक्ट है। ये खोला अपन ने, यहाँ पे आपको आपका फोम मिल जाता है और उसके बाद सिर्फ प्रोडक्ट है। यहाँ पर दिया हुआ इनने हमको ब्लैक था पर, और डब्बे में तो कुछ है नहीं पर मिला वाइट में। पन्नी निकालता हूँ मैं सिर को। अरे काफ़ी सही है, छोटा सा एकदम, और कैरी करने में मेरे को इतना कोई वेट लग नहीं रहा है, सही है मेरे हिसाब से। और कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। पीछे की तरफ तुमको ये दिख रहा होगा कोल्ड और हॉट करने, मतलब इसमें हॉट भी कर सकते हो तुम, कोल्ड भी कर सकते हो, दोनों मिल जाता है। यहाँ पे दो केबल का दे रखा है, मैं इसकी केबल ढूंढ लेते हैं, केबल उसमें तो नहीं दिखी, अंदर देख लेते क्या। तो केबल अंदर देखने को मिलती है, अंदर दो केबल पड़ी हुई है। मेरे को एक लग रहा है जो एक केबल है जो तुम्हारी कार में, हाँ सही बोला मैंने, ये एक कार वाली तुमको केबल मिल जाती है कुछ इस तरीके की, और एक जो है ये नॉर्मल मिल जाती है जो आप ऐसे अपने नॉर्मल प्लग में लगा सकते हो। दो केबल मिल जाती है। उसके बाद इनने अंदर मैनुअल भी दे रखी है, तो मैनुअल में भी नॉर्मल चीज़ें बता रखी है कि किस तरीके का है, क्या क्या कर सकता है। पढ़ लेना एक बार यूज़ करने से पहले, देखते हैं आगे। और देखो फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखता है, ये ऐसा कुछ दिखेगा तुमको ट्रॉपिकल का। और बिल्ड के बारे में कुछ बताऊँ तो मैं, ठीक लगी है, मतलब खास नहीं बोल सकता, ठीक है। अब इसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ और एक और टेस्ट भी करने वाला है जो अपनी वीडियो के एंड तक चलने वाला है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले। तो ये वीप्रो का मेरे पास है स्मार्ट गैजेट, तुमने अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लो जाके, मस्त वीडियो बनाया था। इसमें अपन ने लगाया और ये पीछे से आपको इसको प्लग इन करना है। तो ये बत्ती चालू गई इसकी, इस तरीके से इसको करना है चालू। और अपन करते हैं इसका चाय टेस्ट। तो चाय हमको मिल गई है, इसका तापमान देखेंगे अपना नॉर्मल जो भी है, अब ये घर का है तो थोड़ा घटा लो वीडियो, देखते हैं इसका टेम्परेचर क्या है अभी चाय का। तो ये तो हाई बता रही है, मतलब 110 से तो ऊपर ही है ये। अब ये देखते हैं कि वीडियो की एंड तक जाते जाते ये 110 से नीचे आती है कि नहीं। चालू मैंने कर ही दिया है, इसको लगा देते हैं अंदर और ये बंद कर दिया। तो ये रख देते अपन कोने में और देखते हैं एंड में कि ठंडी हुई कि नहीं हमारी चाय। मूव ऑन करते हैं अपन। नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटे से डिवाइस के बारे में, ये है GAIA गाया टॉप करके कोई सी कंपनी है, उसका एक पोर्टेबल फैन मिल जाता है। इसमें एक अच्छी बात मेरे को ये लगी थी, ये पोर्टेबल चार्जर भी है, मतलब आपका पावर बैंक का भी काम कर देता है। तो खोल के देखते हैं इसको भी। तो ये तो आपका शायद मेन प्रोडक्ट है, और अंदर की तरफ एक छोटी सी मैनुअल, वही चीजें समझाने की, चाइनीज में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, कोई काम की नहीं। और सरप्राइजिंगली इसमें आपको माइक्रो बी मिल जाता है, जो आपको पहले की केबल आती थी बाबा आदम के टाइम की केबल से, ये कोई यूज में आती नहीं है। प्रोडक्ट देखते अपन तो सीधे स्टार्ट करते हैं। ओहो देख रहे हो आप, बहुत छोटा सा फैन है, मतलब कॉम्पैक्ट है, तुम जेब में भी रख के घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ऐसे रख दिया मैंने जेब में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मस्त है। और यहाँ पे नीचे की तरफ तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे USB और माइक्रो इसको चार्ज करने का भी है, और आपको अगर पावर बैंक जैसे यूज़ करना है तो उसके लिए भी दे रखा है। ये चीज़ अच्छी है। ऊपर की तरफ से ये क्यों दिए मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये क्या सेंस क्या है, डिज़ाइन लुक में दे दिया है। पीछे की तरफ तुमको उल्लू मिल जाता है, अब इसको क्या उल्लू का डिज़ाइन क्या है ये भी हमको पता नहीं, पर ये बटन है इसका अभी। और नीचे थोड़ी सी एक लाइट दे रखी है, इसको खोलता हूँ मैं, तुमको बता दूँ कि खुलता कैसे। तो कुछ इस तरीके से खुलता है ये, इसे कॉम्पैक्ट इसीलिए कि अंदर ही फोल्ड हो जाता है, फोल्डिंग मैकेनिज्म अच्छा है। और सबसे सही चीज़ जो मेरे को लगी इस फैन के बारे में वो है भाई इसके ये विंग्स, ये मोल्डेबल विंग्स है। तो क्या तुम बच्चे अच्छों को भी दे रहे हो ना, तो उसको लगेगी नहीं, उसके लिए ही अच्छे हो जाते हैं। और मैं इसको चालू करके बताता हूँ, 3 2 1। तो कुछ इस तरीके का चलता है ये,
ये इसका ऐसा बेसिक वाले पे है, देखो लग ही नहीं मेरे को, ऐसे बंद भी हो जाता है और जैसे ही लगेगा तो ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा सीधे, तो कुछ इस तरीके का चलता है। इसमें भी दो मोड मिल जाते हैं आपको, ये तेज वाला है। और हवा के बारे में बात करूँ तो मज़ा नहीं आया, तो मतलब हमारे पास ऊषा है, उधर देखो ऊषा है हमारी, ऊषा जो जितनी हवा देती है ना उतनी हवा तो नहीं दे पाता है, पर ठीक है। पर जो मैं इसकी प्राइस रेंज पे ये आता है, 500 रुपये का ये आता है डिवाइस, और 500 रुपये के हिसाब से तो मज़ा नहीं आया हवा में, थोड़े बहुत बाल हिल रहे हो गए पर तो मज़ा नहीं आया। तो मूव ऑन करते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है। अगर तुमको फिर भी खरीदना हो तो खरीद लेना, कुछ और प्रोडक्ट आप भी चाहते हो कि हम रिव्यू करें इसी तरीके से, तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ और लिख के बताओ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आप चाहते हो कि हम रिव्यू करें, तो हम वो लेके आएंगे। मूव ऑन करते हैं अपन नेक्स्ट गैजेट से। अब जो थर्ड गैजेट है वो भी हमारे पास एक पंखा है, और ये आता है बुलफिश की तरफ से, कुछ इस तरीके का है इसका डब्बा। और भैया एक बात बता दूँ, सारे ही प्रोडक्ट यहाँ पे चाइनीज मेड है, तो थोड़ा देख लेना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, तो इसको भी खोलते हैं अपन। खोल के पहले पे ही आपको आपका प्रोडक्ट ये सब पड़ा हुआ मिल जाता है। ये आपका प्रोडक्ट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है यार, मतलब मेरे को अच्छा लग रहा है वो। भाई ये खुलता भी है, तो हाँ जैसा ये इनने दिखाया था प्रोडक्ट इमेज में, कुछ इस तरीके से खुल गया ये देखो, ऐसे कुछ खुल जाता है। और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ अभी, तो आगे देखते हैं इसको, इसके अंदर और क्या मिलता है वो देख लेते हैं। एक और कुछ रखा है इसमें, पेपर वर्क दिया हुआ है इनका, और बहुत ही इनडेप्थ चीज़ें बता रखी है इन्हें फीचर्स के लिए, बहुत बड़ी पेपर वर्क दे रखी है, पढ़ लिया करो। बात करते हैं, इसमें भी आपको वही माइक्रो वाली केबल मिल जाती है, कुछ खास केबल है नहीं, वही पुरानी केबल्स है। पर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो भाई दिखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और सबसे सही चीज़ लगी ये क्या है भाई, खुलता है छोटा हो जाता है क्या ये, मतलब क्या लेके घूम सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने पूरा खोल दिया है। और एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये नॉर्मल हाइट है, ये इसकी एक्सटेंडेड हाइट हो गई, और बोलो क्या सही चीज़ है, ये देखो एक नंबर। अब यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। पीछे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं थोड़े से सेल वेल डालने की जगह मिल जाती है, और यहाँ पे आपको नंबरिंग दे रखी है कि स्पीड क्या क्या है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 दे रखा है। तो स्टार्ट करके देखते हैं, इसको मैंने रख दिया है और ये कर दिया चालू, मतलब ये फर्स्ट स्पीड पे है, तो मतलब पास से तो अच्छा लग रहा है, पर दूसरी दूर से इतनी हवा नहीं आ रही थी। अब इसको थर्ड पे ले जाते सीधे, अभी थोड़ा मजा आ रहा है मेरे को, मतलब ऊषा को टक्कर तो दे रहा है यार, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, मजा तो आ रहा है। बुलफिश कंपनी का है, 1300 रुपये का है ये प्रोडक्ट हाल फिलहाल में, और 1300 रुपये में मतलब यार तुम्हारा ऊपर क्रॉम्पटन का पंखा आ जाता है, या दूसरी कंपनी का भी आ जाएगा 1200, 1300, 1500 में, तो ठीक है अगर तुमको खरीदना है तो खरीद सकते हो, हवा तो सही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है रहेगा ये प्रोडक्ट, जो छोटे से कैबिनेट में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आगे देखते हैं क्या क्या मिल जाता है, बंद करते हैं इसको और इसको पटक दे यहाँ पे। उसके बाद सबसे अच्छा गैजेट है हमारे पास, ये वियरेबल स्पोर्ट फैन, जो आप आपके यहाँ पे गले पे टांग के हवा ले सकते हो डायरेक्ट। पीछे कुछ भी फालतू की ब्रांडिंग वांडिंग कुछ भी देखने को मिल जाता है, कोई फोकट काम के नहीं है। ये तो टूट गया भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ओ बाबा ये क्या, ऊपर से लेके चाइना चाइना चाइना। आगे मूव ऑन करते हैं, क्या ही पैकेजिंग दी है यार, क्या ही पैकेजिंग है, क्या ये थर्ड क्लास प्लास्टिक छी हट। और ये देखो मैं बोल रहा हूँ ना तुमको, ये टूटा हुआ दे दिया भाई हमको तो अमेजोन वालों ने। रुको इसको लगा लेते पहले, लग गया भाई, ये देखो थोड़ा सा लग तो गया है पर नहीं भी लगा, ऐसा ही ये हो तो देखो। अब मैं बता देता हूँ किस तरीके का है, गर्दन पे ऐसा टांगना तुमको। अब इसको मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि साइड कौन सी सही है इसकी, और भाई खिल गया। अब मेरे को इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें फ्रंट साइड कौन सी है, कौन सी साइड से हवा आएगी,
देखते लगा के यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, देख सकते हो तुम लोग, और यहाँ पे इसको चार्ज करने का मिल जाता है, और इसको चालू करके मैं पूरी वीडियो में छोड़ दूंगा, देखते कितनी देर चलता है। लगाते इसको, एक तो साला ये हिलता नहीं है, ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे ये थोड़ा हिलने का दिया है इनने, पर यहाँ थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है तो हिलता नहीं है। और ये अपन ने इसको कर लिया, कहाँ से उतरे चालू, बटन कहाँ गया इसका, हाँ ये रहा, मिल गया मिल गया, बटन मिल गया। गाइस कट चुका है हमारा, बहुत ही बुरा कटा है, मेरे को माँ कसम जरा सी हवा नहीं आ रही, बस आवाज आ रही है हवा की, हवा नहीं आ रही मेरे को। सामने वाले कितने माहौल बनाते हैं, फिर भी देखते हैं कितनी देर चलता है वो तो देखे, इतना पैसा वेस्ट किया, 600 रुपया वेस्ट किया मैंने इस पे, तो देखे तो सर कैसा है प्रोडक्ट, चालू छोड़ेंगे इसको लास्ट में। मेरे को ये सबसे अच्छी चीज लगी है, तो एक्साइटेड हो जाओ, ड्रम लोड बजाओ, डर डर डर। और ये आ गया आर्टिक एयर अल्ट्रा, ये है मिनी कूलर, अनलाइक ऑफ दिस, इससे अच्छा है बहुत ये, तो इसको खोलते हम। इसमें तुमको दो तीन चीज़ें बता रखी इनने, ये कूल कर देता है, ह्यूमिडिफाई कर देता है, और प्योरीफाई कर देता है, जो ये इसी को पता है कैसे प्योरीफाई करता हमको तो नहीं पता, और हॉट एयर अंदर जाती है और कूल मॉइस्ट एयर बाहर आती, कुछ इस तरीके का इनने बता रखा है। LED नाइट लाइट कंट्रोल मिल जाता है आपको, देखते हैं कैसा है, क्या मिलता है, वाइट कलर का दिखा रखा है। ऊपर ही सबसे पहले ऊपर ही अपन को केबल मिल जाती है, ये केबल पता नहीं कौन से 2002-04 में आई थी, ये अभी अभी भी देखा, हाँ ये नोकिया वाली केबल, क्या क्या चल क्या रहा है ये मार्केट में, नोकिया के साथ आती है केबल, वो दे दी इनने। और इसको खोलते हैं तो हाँ देखो इसमें थोड़ा ये, हाँ ये चीज़ अच्छी है कि इसमें मेंटेनेंस का बता रखा है, कैसे क्लीन वीन करना है तुमको वो समझा दिया है। मेंटेनेंस हर चीज में लगता है तुमको, अगर सालों साल चलाना है इसको तो मेंटेनेंस लगता है ना। मूव ऑन करते हैं, तो कुछ ऐसा बता रखा है, थोड़ी बहुत चीज़ें खोल के देखते हैं। अरे भाई बाहर जाओ, और तो कुछ नहीं है, ये है थैली में से बाहर निकाल लेते इसको जरा से, को पूरा पूरा काले में मिल जाता भाई, हमको दिखाया तो सफ़ेद था, ये हो क्या रहा है। इसमें भी लिखा इनने काला था, आया सफ़ेद है, इसमें भी लिखा सफ़ेद था, आया काला है, उल्टा उल्टा कर रहे हैं भाई पब्लिक, ये सीधा कहाँ से होता है, इसे सीधा रखाता है। तो देख रहे हो तुम इस तरीके का कुछ कूलर है, ये पीछे की तरफ देखो, यहाँ पे तुम अबे क्या भरा है, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे तुमको वो तुम्हारी जो केबल है ना वो यहाँ अंदर जाएगी, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। ये पीछे भाई, ये भाई इन्हें फ़ैन लगा रखा अपने CPU वाला, जो पूरा फ़ैन आते हैं ना अपने CPU के, वो फ़ैन लगा रखा है इनने, तो देखते हैं। और अंदर की तरफ ये कार्ट्रेज सिस्टम है इनका, अगर तुमको झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा गीला इसलिए हो रहा है, चला लिया था मैंने यार, टेस्ट कर रहा था मैं थोड़ी देर चला के, तो देख ही लिया, अच्छा था इसलिए बता रहा हूँ, अच्छा है अच्छा है। और बताता हूँ आगे बताता हूँ, तो ये ऐसी कार्ट्रेज मिल जाती है तुमको, इसको थोड़ा इन्होंने लिख रखा है, मैंने वो पढ़ लिया था, इन्होंने ये लिख रखा है कि थोड़ा सा गीला करके रखो, शुरुआत में ही गीला करके रख दो तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी ठंडी हवा आती है। तो ये इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करना रहता है आपको, इसके आगे वाले खन में, और उसको लगा दो थोड़ा सा, हाँ ये ऐसे अंदर चलेगा, तो इस तरीके से लगता है। और ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग, यहाँ पे तुम्हारा पानी जाएगा, इसको ऑन करके बताते हैं कि कैसा काम करेगा ये, लगाते हैं इसको, कनेक्ट करते हैं। तो पानी मैं लेके आ गया हूँ, और मैंने USB भी कनेक्ट कर लिया, पहले इसमें पानी भर के बता देता हूँ। ये आगे ओपनिंग दे रखी है तुमको, यहाँ से पानी भरना है अब इसको, हाँ चलो टिकी रहती है, अच्छा है, ऐसा गिर विर नहीं रही है, थोड़ा सा ही पानी भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे, बस इतना बहुत है मेरे साथ। और यहाँ पे तुमको ये मैक्स भी लिख रखा है कि पानी यहाँ तक आ जाए तो इतना ही भरना है, इससे ज़्यादा मत भरना है, उन्होंने बता रखा है। अच्छा हमको सिखा दिया है। और ये USB अपन ने ये घुसा मारी, कोई लाइटिंग वाइटिंग नहीं दे रखा है, तो कुछ समझ नहीं आता तुमको चालू हुआ कि नहीं, मैंने कनेक्ट तो कर दिया, देखते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो देखो, ये देखो भाई, ये दिख रहा तुमको, थोड़ा थोड़ा धुआं दिखा तुमको, हाँ नीले पानी है भाई, पानी है पानी है पानी है, आग नहीं लगी है ऊपर थोड़ी सी, हाँ अभी लाइटिंग दिख रही है मेरे को यहाँ पे, एक छोटी सी लाइट जल रही है और धुआं आ रहा है बस, हवा तो पता नहीं आ रही कि नहीं, थोड़ा मुंह पे मार के देखते हैं।
भाई ये तो सुरसुरी छोड़ रहा है भाई, थोड़ा तेज करके देखते हैं इसकी फैन की, 3 स्पीड दे रखी है इनने। ठीक है, मतलब धुआं अच्छा दे देता, बाकी इफेक्ट में काफी कूल है। एक चीज बता देता हूँ तुमको, मैं वो क्या अच्छा लगा इसमें, अपन ने चालू किया था अभी, इसमें आपको जो ये ठंडी ठंडी है वो फुरफुरी दे रहा है ना, वो अच्छी मिल जाती है। और जो इनके इसमें मैनुअल में लिखा हुआ है वो अगर आप फुल स्पीड पे चलाते हो तो कम से कम 4-6 घंटे चल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर तुम छोटे से ऐसे क्यूबिकल में बैठ के काम करते हो और तुमको बहुत ही गर्मी लग रही है वहाँ पे, अब मुंबई वाले थोड़े फील में ले लिए होंगे हमारी बात को, उन लोगों के लिए तो वो ये लगा सकते हैं उनके ऑफिस में। आवाज़ ज़्यादा आती नहीं, तुमने सुन के देख ही लिया है, इससे तो काफ़ी अच्छा है। ये लगा के बैठोगे तो लड़कियाँ भाव भी नहीं देगी, थोड़ा कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा ये तुम्हारा, तो उसके लिए अच्छा है क्यूबिकल में काम करने वालों के लिए। एक और बार तुमको चालू करके बता देता हूँ, ये देखो क्या सही आता है, एकदम से बढ़िया वाला स्मोकी स्मोक हो जाता है, एक नंबर प्रोडक्ट लगा मेरे को तो। बंद कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके सारे प्रोडक्ट है। लास्टली जो हम मेन चीज़ हमारी देखने वाले हैं, और ये अभी तक चल रहा है, चलने दो इसको, ये कोई काम का नहीं, खरीदना मत भाई कोई भी, इसको भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसमें पानी भरा हुआ तो धीरे से उठाना है और कोने में रख दो। मेन प्रोडक्ट पे आ जाते हमारे, जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। तो कितनी ठंडी हुई है, अभी खुलासा होएगा हमारी चाय का कि चाय रियल में ठंडी हुई है या नहीं, देखते ओपन करके। ठंडा ठंडा तो नहीं लग रहा मेरे को, देखो सही सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, ठंडा तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। टेम्परेचर देखते फिर भी, ये हमारा मोहिनी का टेम्परेचर है, इस पर हम चेकआउट करेंगे कितने पे पहुँचाइए इनने। भाई ठंडी तो कर दी इसने, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो 98 पे लिया है भाई, 90, ये देखो 99 पे लेके आ गया, ये 99 पे लिया है ये चाय को, जो 110 पे थी, और वीडियो को मुश्किल से 20 मिनट हुए स्टार्ट हुए। तो हाँ ठीक काम कर देता है, बाकी छोटा बहुत है, 5 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है तो छोटा तो बहुत है, पर इसकी जो मेन मुद्दे वाली बात है वो है 4,000 रुपीज़ प्राइसिंग, 4,000 रुपये की प्राइसिंग पे ये आता है प्रोडक्ट, और मेरे हिसाब से 4,000 रुपये में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहीं पे तुमको 6,000 में वर्लपूल के मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादा कैपेसिटी के और एकदम ट्रेडिशनल वाले जैसे दिखते हैं। तो तुम्हारे रूम के लिए या छोटी सी स्पेस के लिए ले रहे हो मत खरीदो, कोई काम का नहीं है। कार वगैरह, और पर फिर कार वाले भी कितना ही घूमेंगे इसको लेके। फिर भी तुमको देखना है अगर ये प्रोडक्ट्स को, तो जाके नीचे लिंक देख सकते हो, सारे प्रोडक्ट मैंने मार्क कर रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लो। और जो मुझे 2 चीज़ें अच्छी लगी है वो है कि ये कि कूलर काफ़ी सही लगा यार मेरे को, सच बोल रहा हूँ। मुंबई वालों ले लो, क्यूबिकल में बैठ रहे हो खरीद लो, काफ़ी अच्छा मिल जाता है। उसके बाद ये पंखा मेरे को अच्छा लगा है भाई, ये खुल जाता है बंद हो जाता है, 1,300 रुपये में मिलता है, कोई ज़्यादा मतलब ठीक ही प्राइसिंग है। और वो ये भी ऑफिस वालों के लिए अच्छा है, हमारे मतलब घर वालों के लिए तो कोई काम का है नहीं, पर ठंडी हवा दे रहा था, मस्त हवा अच्छी तेज़ दे देता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो जाके, नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताओ, और ऐसी वीडियोस देखनी तो नीचे जाके लिखो ठोको हर्ष भाई ठोको, हम और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। देखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। होप इस तरह के वीडियो आपको पसंद आएंगे, हम लोग इस तरह के आगे भी कंटिन्यू करने वाले, कुछ प्लान्स और भी हैं हमारे, तो सपोर्ट बताओ और फटाफट से वीडियो को लाइक वगैरह करो, शेयर वगैरह करना। ये बताओ तुम तो मुद्दे की बात बताओ, मेरे पास अगर ओपिनियन की बात करो तो मुझे ना ये वाला सही लगा, ठीक है, मतलब मैं कैबिन में अगर बैठा हूँ और मुझे गर्मी लग रही तो मैं तो ये वाला पसंद करूंगा, और थोड़ा दिखने में भी अच्छा दिखता तो उस हिसाब से अच्छा एलिगेंट है। तो दाग लाइक शेयर करो ठोको, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।